हेलो जी, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और ये वीडियो है मेरा, जब हम नैना देवी माता जी के मंदिर गए थे तो जब वहाँ से हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में ये बहुत सारे टेडी बियर की शॉप थी, तो हमने यहाँ पे ये वीडियो फिर बनाया था। और यहाँ पे बहुत सारे टेडी बियर की शॉप थी तो हमने यहाँ पे ये वीडियो फिर बनाया। और यहाँ पे सच में ही एक बकरी का बच्चा आ गया था। और हाँ, जिन्होंने मेरा नैना देवी माता जी का मंदिर का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाके वो देख सकते हैं। और बहुत ही हिमाचल में प्रसिद्ध बिलासपुर में है ये नैना देवी जी का मंदिर, और बहुत ही सुंदर मंदिर है। अगर किसी को देखना है तो आप वहाँ जाके ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और इस डॉगी को देखिए, काफ़ी बड़ा ये डॉगी था और बहुत प्यारा लग रहा था ये वाला डॉगी, और ऐसे लग रहा था कि सचमुच का ही डॉगी है। तो बहुत ही सुंदर सुंदर टेडी बियर यहाँ पे हैं। और हाँ, अगर आप मेरी वीडियो में फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इससे आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिल जाएगा। और ये डॉगी इतना क्यूट है कि इसको देख के ही मेरा मन वीडियो बनाने के लिए कर गया, और मैं काफ़ी देर तक इसके साथ ऐसे देखती रही इसको। और इस रास्ते में बहुत सारे टेडी बियर की शॉप है, हाईवे के इस साइड भी और उस साइड भी, तो मुझे बहुत अच्छे लगे सारे ही। और यहाँ पे मैंने एक्चुअल वॉइस दी थी लेकिन वो हाईवे में गाड़ियाँ आया जा रही थी तो इस वजह से मुझे फिर इसमें वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉइस हो रही थी तो गाड़ियों की, इसलिए मेरे को यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ा। और ये देखिए, ये बच्चों का झूला कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे ना वीडियो बनाते बनाते ही एक सच में ही बकरी का बच्चा आ गया जो कि बहुत सुंदर है, और अभी आगे वीडियो में आप उसको देखोगे। और ये देखिए, सारे ही टेडी बियर्स कितने क्यूट क्यूट है, और बड़े छोटे बहुत बड़े बड़े साइज में भी इनके पास टेडी बियर है। और ये देखिए, ये रेड वाला टेडी बियर कितना क्यूट लग रहा है। तो और ये देखिए, ये वाला भी कितना क्यूट लग रहा है, और काफ़ी बड़े बड़े थे ये, तो यहाँ मैं थंबनेल के लिए इधर फ़ोटो खिंचवा रही थी, बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये है वो छोटू सा क्यूट सा बकरी का बच्चा, तो इसको बहुत भूख लगी थी, इसकी जो मम्मा है वो घास वगैरह चरने गए हुए थे। और ये कछुआ, और ये देखिए लॉयन, काफ़ी बड़े बड़े लॉयन यहाँ पे हैं, और ये हिरन बहुत सुंदर लग रहे हैं सारे ही। और फिर हमने भी यहाँ से एक टेडी बियर लिया है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस लॉयन की आंखें देखिए, एकदम सा रियल सा लग रहा है ये छोटे छोटे डॉगी। और जब हम इतनी सारी ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं तो खुद का मन भी कर ही जाता है कुछ ना कुछ लेने का। और ये देखिए, इस डॉगी को देखिए कैसे ये घूर रहा है, और ऐसे लग रहा है जैसे सच में ही ये घूर रहा है। और ये देखिए, एक ये वाला भी एकदम से रियल सा लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है ये भी। और मुझे ना ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, रियल वाले डॉगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ। और ये वाली देखिए कितनी क्यूट सी लग रही है ये, और पर इनके रेट ये बहुत ज़्यादा बता रहे थे, पर ऐसा नहीं है, बार्गेनिंग करने के बाद इन्होंने फिर सस्ता भी कर देते हैं ये। और ये कीड़ा है, और ये देखिए यहाँ पे इस तरह के ये बोनसाई प्लांट जैसे लग रहे हैं, ये भी यहाँ पे थे। और इनका कलर देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारे लग रहे हैं ये भी। और इसके बाद फिर हम एक और नेक्स्ट शॉप में गए जहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर सुंदर टेडी बियर थे,
और ये देखिए ये रेड वाला कितना बड़ा है ये। और इस वाले झूले में देखिए कितने मंकी इन्होंने बैठाल के रखे हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे। और इनको देखिए ये पूरा टीचर सा लग रहा है, चश्मा वश्मा लगा के एकदम से जैसे लगता है कि कोई टीचर सा छोटा सा बच्चा है। और ये देखिए इसको भी ऐसे झूले में बैठाया हुआ है और अच्छे लग रहे थे सारे ही। और ये देखिए ये येलो वाला कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए ये कि ये ब्लू कलर का है ब्लैक। और यहाँ पे ये झूले की मुझे बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी लगी। ये देखिए ये कुछ झूला कुछ अलग सा है, अलग ही प्रकार का लग रहा है। और इन टाइगर महाशय को देखिए कितने बड़े हैं। और इसकी ना मूछें थी तो मैं इसकी मूछें पकड़ रही थी और अच्छा लगा मुझे ये भी। और ये देखिए ये यहाँ पे भेड़ टाइप का है कुछ, तो अच्छा लग रहा था मुझे ये भी। तो देखिए इसको घुंघरू सा भी पहनाया हुआ है इन्होंने। और इन लॉयन को देखिए मतलब काफ़ी मेहनत करी है इनको बनाने के लिए। और ये देखिए ये इनको मिकी को देखिए कैसे कितनी बड़ी है, इनके साथ मैं हेलो कर रही थी। और यहाँ पे इस तरह के पॉट कप ग्लास भी यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर थे, अच्छे लगे मुझे। और बस फिर इसके बाद हम जा रहे हैं अब घर। और रास्ते में हमें वहाँ पे किन्नू के ऐसे बहुत जगह ढेरे लगे हुए थे, तो वहाँ पे फिर हमने किन्नू लिए कुछ, और ये 100 रुपये के इन्होंने 5 किलो दिए। तो बस आज का वीडियो मेरा यहीं तक है, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और लास्ट में जो हमने लिया वो अभी दिखाते हैं। क्या लाए? ये लाए तेरे लिए। अच्छा मैं क्या करूँगा इसका? ये किन्नू लेके आए चलिए। पकड़। अच्छा पकड़ भारी है। मैं कहा पकड़ू फोन?